हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे पाइथन के एमसीक्यू, जिसमें हमारा टॉपिक होगा वेरिएबल नेम्स। इस टॉपिक पे कौन से एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो यह है, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। क्या पाइथन केस सेंसिटिव होता है जब यह आइडेंटिफायर के साथ डीलिंग करता है? पहला ऑप्शन है ए एस, बी नो, सी मशीन डिपेंडेंट एंड डी दिया है नॉन ऑफ द मेंशन। जो हमारा पाइथन होता है केस सेंसिटिव होता है जब हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं और आइडेंटिफायर के साथ उसको डीलिंग करते हैं, तो यह बात सही है। इसलिए हमारा क्या होगा, एस। केस सेंसिटिव मतलब होता है कि छोटा बड़ा लेटर लिखे ना वही केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। फिर हमारा बी है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर, यानी कि एक जो आइडेंटिफायर होता है हम जो बनाते हैं उसका मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है? ए 31 कैरेक्टर, बी 63 कैरेक्टर, सी 79 कैरेक्टर एंड डी नॉन ऑफ द मेंशन। तो देखिए, आइडेंटिफायर का लेंथ अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, इसलिए आप मैक्सिमम जितना चाहो उतना लेंथ तक ले सकते हैं। इसलिए नॉन ऑफ द मेंशन हमारा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। फोर्थ थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। कौन सा इसमें है जो इनवैलिड है? यहाँ पे ए दिया है अंडरस्कोर ए इक्वल टू 1, बी अंडरस्कोर ए इक्वल टू 1, सी अंडरस्कोर एसटीआर और यहाँ पे अंडरस्कोर इक्वल टू 1 और डी दिया है नॉन ऑफ द मेंशन। बताना है इसमें से जो वेरिएबल का नेम लिखे हैं वो इनवैलिड है या वैलिड है इन तीनों में, ठीक है? यदि नहीं है तो डी करिए, तो हमारा तीसरे का ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ये तीनों के तीनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि अंडरस्कोर का प्रयोग हम कर सकते हैं वेरिएबल नेम को पहले और बाद में भी, बीच में भी। फिर हमारा यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। बताना है इसमें कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है। देखिए, माई और अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1, पहला ऑप्शन बी वन और वन एस टी और यहाँ अंडर स्कोर स्ट्रिंग और सी फू और डी दिया है अंडर स्कोर। तो देखिए, कभी भी आप वेरिएबल के नेम के आगे एक मतलब नंबर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। फाइव नंबर क्वेश्चन है, वाई आर लोकल वेरिएबल नेम्स बिगिनिंग विथ एन अंडर स्कोर डिस्कवरेज। क्यों लोकल वेरिएबल, जो हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं उसके आगे हम जो अंडरस्कोर लगा देते हैं तो वो क्या बताता है? दे आर यूज टू इंडिकेट ए प्राइवेट वेरिएबल ऑफ ए क्लास, या दे कंफ्यूज द इंटरप्रेटर, या सी दे आर यूज टू इंडिकेट ग्लोबल वेरिएबल, या डी दे स्लो डाउन एग्जीक्यूशन। तो हमारा होगा पहला ऑप्शन, वो होगा दे आर यूज टू इंडिकेट ए प्राइवेट वेरिएबल ऑफ ए क्लास, मतलब क्लास में क्या होता है प्राइवेट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम अंडर स्कोर का यूज करते हैं। फिर हमारे यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन है वो यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड। इसमें बताना है कौन सा कीवर्ड नहीं है, ए इवॉल्व, बी एसॉर्ड, सी नॉन लोकल एंड डी पास। तो इसमें छठवें में बताना है कौन सा आपका ये होगा। तो हमारा देखिए इवॉल्व है जो एक कीवर्ड नहीं है, बाकी एसॉर्ड, नॉन लोकल और पास तीनों के तीनों कीवर्ड में आते हैं। फिर हमारा सातवां नंबर है, ऑल कीवर्ड इन पाइथन आर, मतलब पाइथन में जितने भी कीवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर केस में होते हैं, बी अपर केस में होते हैं और सी या कैपिटलाइज होते हैं या डी नॉन ऑफ द मेंशन, ये इसमें से कोई नहीं होते हैं। सात बताना है क्या होगा। तो इसमें हमारे इसमें तीनों में से कोई नहीं होता, ना लोअर होता है, ना अपर होता है, ना कैपिटलाइज होता है, डी नॉन ऑफ द मेंशन। फिर आठवां दिया हमारे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। बताना है इसमें वेरिएबल नेम के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। इसलिए है तो ए अनलिमिटेड लेंथ, बी ऑल प्राइवेट मेंबर मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर, सी अंडरस्कोर एंड एम परसेंट आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर अलाउड और डी दिया है नॉन ऑफ द मेंशन। तो आठवें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा होगा ई अनलिमिटेड लेंथ, क्योंकि यह वेरिएबल नेम जो भी होता है उसमें फिक्स नहीं होता है कितने लेंथ तक ले सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सही होगा। इसमें ऐसा कभी नहीं होता है कि आप अंडर स्कोर ले ही तो ही जरूरी है, ये भी गलत है, और अंडर स्कोर होना यहाँ पे और एम परसेंट स्पेशल करेक्टर लेना ये भी गलत है, इसलिए अनलिमिटेड लेंथ सही होगा। नंबर नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिड स्टेटमेंट। बताना है इसमें कौन सा है जो इनवैलिड है वेरिएबल नेम और स्टेटमेंट में। यहाँ पर दिया है ए बी सी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे पूर्णांक दिया है, फिर ए फिर बीच में गैप कर दिया, फिर बी बीच में गैप करके सी लिखा है और बराबर में जितना लिखना है वो लिखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1,000 फिर 2,000 3,000 और यहाँ पे देखिए सी में दिया है ए कमा बी कमा सी इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 1,000 2,000 3,000, ये भी सही है। और बताना है सही है गलत कौन सा इसमें से, ए अंडर स्कोर बी अंडर स्कोर सी और यहाँ पे दिया है 1 और 000 000। तो इसमें जो हमारा आपको सही दिखाई दे रहा है वो यह है
यहाँ पे ये है गलत है, क्योंकि आप कोई भी वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं कर सकते हैं, या तो उसके बीच में आप अंडरस्कोर लगाइए या तो कोई भी चीज लिखिए, लेकिन आप बीच में स्पेस नहीं कर सकते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल, इसमें से कौन सा है जो वेरिएबल नहीं हो सकता है। ये अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर बी दिया है इन, और सी दिया है इट, और डी दिया ऑन। तो देखिए हम अब इन नॉट इन एक हमारा होता है जो कीवर्ड होता है उसमें हमारा पाइथन में, तो इसलिए हम कहीं भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये रहा हमारा टॉप 10 पाइथन के एमसीक्यू जो कि वेरिएबल नेम पे था।